नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज कुछ खास खबर देखते हैं। मां समाधि भूमि के वर्धापन दिन पर उमड़ा लाखों का भीमसागर। बौद्ध समाज के लिए समूचे विश्व में श्रद्धा केंद्र बने। भंडारा जिले के रुयाल सिंधपुरी में मां समाधि भूमि के 32वें धम्मोत्सव के अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए लाखों का भीम सागर उमड़ पड़ा। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। ये दावा किसी नहीं होते हैं, थोड़ा सा जमीन के लिए, थोड़ा सा एक पुष्पा मैडम को भी पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम मुझे बताइए कि आज आप इस महासमाधि भूमि के लिए आप यहाँ पर आई हुए, तो आपका सम्मान भी किया गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खुशी तो बहुत होती है जब भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा खुश। और ये मेरा पूरा ग्रुप है, इन्हीं के माध्यम से ये पुरस्कार मुझे मिला, ऐसा मैं मानती हूँ। और ये संघरत्न मान के जो हमारे बंते जी है, इनको मैं बचपने से जानती हूँ, क्योंकि लश्करी बाग का जो एरिया है हम साथ में थे। और ये पहिया मेहता संघ जहाँ उनके घर से बच्चों का ये जो लाइब्रेरी चलता था उसको भी हमने देखा है तब से, इतने सालों से। और ये जो कार्यक्रम, ये लोगों का जो भीड़ हमने देखा है, और इस जगह से इतना अच्छा मैसेज जो लोगों को जा रहा है वो इतना अच्छा है, इतना सराहनीय है कि जो लोग यहाँ आ रहे, जैसे नेपाल से, जापान से, थाईलैंड से जो लोग आए हैं, और अपने महाराष्ट्र का भी पूरा भिक्खु संघ है, ये सारे लोग जो आए हैं और यहाँ जो लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी भावना और अपनी एक शुद्ध एक ऐसी मनसा लेके जब आते हैं, तो वो खुशी का अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते। इतना अच्छा माहौल लगा सुबह से, जो लोगों की हमने भीड़ देखा और लोगों का जो ये देखा वो देख के तो ज़्यादा ही बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बताइए कि आप अभी बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं जी, तो संक्षिप्त में मुझे बताइए कि आपकी क्या कार्यप्रणाली चल रही है? गए 32 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ, बहुत छोटे उम्र से कर रही हूँ। और जब हमको ये कार्यक्रम मिलते, एमपी से कर रही हूँ मैं, रहने वाली तो मैं महाराष्ट्र की हूँ, पर जब ये काम करते करते नारी मुक्ति जो शब्द है, वो किसी भी जाति धर्म की बात हो, किसी भी जाति धर्म की महिला हो, मेरे जो देखने में आया, मुझे नहीं लगता कि महिला स्वतंत्र हो गई है और मुक्त हो गई है। जब तक उसको संविधानिक अंतर्गत वो अमल में ना लाया जाए तब तक वो स्वतंत्र नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। उसके जो मौलिक अधिकार है, संविधानिक जो अधिकार है, उसके अंतर्गत आज उसे कोई भी क्षेत्र में उतनी मान्यता नहीं मिली है। तो इसलिए भी हमारा काम चलता है, वर्क चलता है बच्चों के एजुकेशन पर। और नारी या कोई भी स्त्री हो, जातिवाद, आडंबर, रूढ़िवाद, परंपरा, इससे महिला मुक्त हो जाए, ये हमारा एक मिशन रहता है और ये हमारा वर्क रहता है और हमारा डोर टू डोर काम चलता है। और ओके, थैंक यू। आम्ही सांगितलं आम्ही मागितलं
झालेला आहे महास्तू। हा महास्तू बसलाच नाही, हा जापानच्या पागोडा शैलीमध्ये तयार करण्यात आलेला असतो आणि जापानच्या मदतीने तयार करण्यात आलेला असतो। हे एवढं मोठं भव्य दिव्य स्तूप तुम्हाला दिसत नाही, हे एवढी मोठी वास्तू तुम्हाला दिसत देवताकार नाही। तर या स्थळाला तुम्हाला जसं शिर्डी, जसं शेगाव, जसं पंढरपूर याला या नाशिकला ज्या तऱ्हेने तुम्ही अश्रेणीचा पर्यटनाचा दर्जा दिला, तुमच्या साक्षीने सांगू इच्छितो की या महासमाधी महास्तूपाला या परिसराला अ वर्ग श्रेणी मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे अशी मागणी आम्ही शासनाला केलेली आहे। बघूया त्यांचे डोळे केव्हा उघडतात। निवड आम्ही महासुवा समाधी महास्तूपासाठीच मागणी केलेली नाही बंधू आणि भगिनींनो। तुम्हाला कोणी थांबवलं त्याचं पुन्हा उत्खनन करायला? कोणत्यानी थांबवलं? अहो तुम्ही एखाद्या मंदिरासाठी आंदोलन करता, एखादं मंदिर उद्ध्वस्त करता, आम्ही नाही करत। आम्ही बुद्धाच्या विचारांना वाहून वर्ष पहले महासमाधि भूमि का निर्माण किया गया। ऐतिहासिक महत्व प्राप्त इस जगह पर प्राचीन अवशेष भी मिले हैं। इस वर्ष 32वें धम्मोत्सव का उद्घाटन भैया मेहता जापान के अध्यक्ष पूज्य भदंत खोशोतानी के हाथों किया गया। इस अवसर पर देश विदेश के पूज्य भदंत और भिक्षु उपस्थित थे। बौद्ध समाज का श्रद्धा स्थान बने महासमाधि स्तूप में विराजमान भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन कराने हेतु मानके जी का है, मुझे पसंद आता है, कभी कभी उनके शब्द में वापस लेता हूँ। मोटा मराठी मध्ये धुपड़ बांधा मोटा मोटा अपन सर्व आला कार्यकर्ते हैं सगळ्या महिला महिलांचं आज मला कौतुक करावा। नजारा दिख रहा है, देखते ही बनता है, बहुत ही खूबसूरत नजारा। ये ऐसा नजारा देखने के लिए भी आदमी को बहुत कम मौके मिलते हैं। और आदरणीय भिक्षु संघ के ये संघानुशासक आदरणीय पैया मेहता संघ के उन सभी का आप खड़े होकर तालियों से स्वागत करेंगे। जापान के निशियोका जी और जापान के खुशोतानी जी, आदरणीय भदंत पुरुषोत्तमजी यांच्या सोबत असलेल्या भिक्षू संघासोबत या ठिकाणी विराजमान झालेले आहेत। त्यांनी पिछले बार जब मुलाकात हुई थी तब उन्होंने मंशा दर्शाई कि बोलते जी मेरा जो पुराना नाम है वो नाम मुझे सूट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने मेरा जो पुराना धर्म था वो धर्म को त्याग कर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रेरणा दिया वो प्रेरणा के कारण मैंने बुद्ध धर्म को स्वीकारा। मेरा नाम बुद्ध मुताबिक होना चाहिए, ये उनकी ख्वाहिश थी। लोग किसी को नाम देना है तो बहुत कठोर नाम देते हैं, बहुत कठिन नाम देते हैं, लेकिन मैंने उनको नाम दिया। शायद आज पहले वो देख रहे हैं, आज शायद ये पहले अपना नाम देख रहे हैं जो मैंने दिया। इनके पहले का जो नाम था वो इनके पिताजी ने दिया, अभी मैं जो आध्यात्मिक पिता के रूप में इनको नाम दे रहा हूँ। आपको अच्छे से जानकारी है कि राजा शुद्धोधन को जब बच्चा हुआ, लड़का हुआ,
तो उन्होंने अपने लड़के को सिद्धार्थ का नाम दिया। आपको नाम तो मालूम है लेकिन अर्थ नहीं मालूम। बहुत से लोगों को राहुल लगा देते हैं लेकिन राहुल का अर्थ नहीं मालूम। सिद्धार्थ लगा देते लेकिन सिद्धार्थ का अर्थ नहीं मालूम। राजा शुद्धोधन को बच्चा हुआ तो राजा शुद्धोधन को लगा कि मेरी जो इच्छा है वो सक्सेस हो गई, संपन्न हो गए। राजा खुश हो गए और उस खुशी के कारण अपने बेटे को सिद्धार्थ करके नाम दिया। आज ये हमारे मित्र सागरिया जी, इनके बुद्ध धर्म में जन्मने के कारण मेरा नहीं, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का जो इच्छा था वो सिद्ध हुआ, इसलिए मैंने इनको सिद्धार्थ दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि मैं मेरे समाज को नहीं, मैं भारत को बुद्धमय करूंगा, इसे उसके पहले उन्होंने एशिया लिखा था। आज ये सागरिया जी जब तक बुद्ध नहीं बनेंगे तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का वो शब्द आधा अधूरा रहेगा। इसलिए आज जो सागरिया जी यहाँ खड़े हैं बुद्ध के रूप में खड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था वो सिद्धि के तरफ जा रहा है और साथ में हमने बुद्ध लगाया, सिद्धार्थ बुद्ध सागरिया। सागरिया इनका परंपरागत नाम है, इनके माता पिता से जुड़ा हुआ नाम है, ये कभी टूटना नहीं चाहिए। गौतम ने भी गौतम आखिरी तक नहीं छोड़ा, मुझे लगता है इन्होंने भी सागरिया नहीं छोड़ना चाहिए, पता नहीं इनकी इच्छा क्या होगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना सिद्ध हुआ, ये कल से बुद्ध के मार्ग से चलेंगे, ये हमारी इच्छा है और वही आपको नाम प्रदान किया है, आप खुशी से उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ इसमें आयु चीसा ही बाकाई स्तो ताचिगा नवी दुबी तो क्रास्टे इरु सुलातान मिरु तो आपको ये बात ते सुगो ना मिन्ना का कोकोरो यासरा का दे हेवा ना कोकोरो दे इरु करा कोसो ああいう子供たちが育つのに、そしてその姿を私たちが見ることができるというふうにいつも嬉しく思っています。アジハマーサマディがバッティスワジャンモッソイスカレクラムメシャミルネギリエジパンティアヤホンアラジキイスジャンモッソメサルプラトンシュワークメपुनिया मित्र बाल सदन के बालक बालिकाएँ पुनिया मित्र शाला जो उत्तर नागपुर सूरत नगर में चलती है वहाँ के बालिकाओं ने जो नृत्य किया वो देखकर मन हर्ष हुआ। आज जो भारत की परिस्थिति, देश विदेश की परिस्थिति, ये कल के जो बालक बालिकाएँ थे उनके ही मेहनत, उनके ही कष्ट, उनके ही हर्ष के कारण आज का ये वातावरण बना है। और आज यहाँ इस मंच के ऊपर जिन्होंने डांस किया, जिन्होंने नृत्य किया, जिन्होंने गाना बोला, उन्हीं के ही कष्ट से, उन्हीं के ही मेहनत से कल का भारत, कल का ये पृथ्वी बन सकती है। ローカルな場所でお寺の住職をしていますけれども、うちの周りも大体見えるのはお米を作る田んぼですね。皆さんのこの辺りも多分米を作る人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。गुम्मा करके शहर है, उस शहर में रहता हूँ और मैं उसी शहर में साइकोजी नाम का विहार है, उस विहार का विहाराधिपति हूँ। हमारा जो इलाका है वो चावल का इलाका कहा जाता है। हमारे इलाके में चावल का उत्पन्न बहुत ज़्यादा पैमाने में होता है। मैं कई वर्ष से 30-35 वर्ष से सुरवियार सिंधपुरी पौनी में आ रहा हूँ। आकर जब रहकर देखता हूँ तो ये इलाका भी चावल का इलाका है। मुझे लगता है कभी कभी कि मैं यहाँ रहते रहते अपने
गुम्मा में लौट तो नहीं गया। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।